जी, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। स्किनी पीपल, दिस वीडियो इज फॉर यू, कीप वॉचिंग एंड तक। अगर आपको वेट गेन करना है इस क्वारंटाइन में, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी कैसे है ये बताने से पहले मैं आपको वेट गेन का साइंस बता देता हूँ। वेट गेन का एक छोटा सा साइंस है कि जितना आप दिन में खर्च करते हो, जितनी कैलोरीज आप दिन में खर्च करते हो, उससे थोड़ी ज्यादा कैलोरीज आप इनटेक करो, मतलब उससे ज्यादा थोड़ा आप खाओ। अगर अभी तक पता नहीं चला तो मैं बता देता हूँ कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी कैसे है। तो नॉर्मल डेज में आप जितना खर्च कर रहे थे, ऑब्वियसली लॉकडाउन पीरियड में बिल्कुल भी खर्च नहीं कर रहे हो उतनी कैलोरीज, और खाना तो उतना ही खा रहे होंगे ऑलमोस्ट सारे लोग, हो सकता है ज्यादा खा रहे हो, बट द पॉइंट इज कि नॉर्मल भी अगर खा रहे हो तो आप सारे के सारे कैलोरिक सरप्लस पे हो, और पॉसिबल है आप सबका ही वेट गेन हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मल डेज में हम लोग भाग दौड़ करते हैं, कोई ऑफिस जाता है, कोई स्कूल जाता है, कोई कॉलेज जाता है, पर अभी लॉकडाउन में सब लोग घर पे है तो एक्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो हो गई है। तो जो खाना खाया है वो हमारे बॉडी में ही रिटेन होगा मोस्टली, क्योंकि खर्च हम लोग ज़्यादा कर नहीं रहे हैं इन दिनों। ऑफकोर्स बॉडी टू बॉडी रिजल्ट्स वेरी करेंगे, पर जो साइंस है वो सबके लिए सेम है। तो मोर ऑर लेस सबका वेट गेन होगा ही होगा अगर सरप्लस में रहे तो। और अगर आप सही में एक हार्ड गेनर हो, वैसे तो सबको ही लगता है, सारे स्किनी बंदों को लगता है कि मैं एक हार्ड गेनर हूँ, पर अगर आप सही में एक हार्ड गेनर हो तो थोड़ा ज़्यादा सरप्लस लो, थोड़ा ज़्यादा खाना खाओ। वैसे भी लॉकडाउन में घर पे ही हो तो आप जब चाहो तब खाना खा सकते हो, इस टाइम को यूज़ करो, अपनी बॉडी पे एफर्ट डालो थोड़ा, और अपनी ईटिंग हैबिट्स भी सुधारो। और जिन लोग की ये कंप्लेन है कि उनको ज़्यादा भूख नहीं लगती है, वो अपनी एक्टिविटी बढ़ा दें, एक्सरसाइज चालू कर दें, क्योंकि जैसे ही आपकी बॉडी काम पे लगेगी वो और ज़्यादा फूड डिमांड करेगी। और एक्सरसाइजेज के साथ साथ आप थोड़ा अपना पर्सनल एफर्ट भी डालो। अगर आप नॉर्मली 3 रोटी खा रहे हो तो 4 खाओ, 4 खा रहे हो तो 4.5 खाओ, थोड़ा अपने आप को भी पुश करो ताकि आपकी ईटिंग हैबिट्स भी थोड़ी अच्छी हो जाए। तो जो टाइम है उसको यूज़ करो। एक बार हम लोग अगर नॉर्मल लाइफ में वापस चले गए तो उस साइकिल में बिजी हो जाएंगे और हमको वापस ये टाइम याद आएगा कि यार उस टाइम हम लोग वेट गेन कर सकते थे। और इस सिचुएशन में सारे जो वेट गेन के लिए पॉइंट्स है वो काफ़ी फेवर में है, तो आप इस टाइम को मत जाने दो, वेट गेन करो। और आप सिर्फ वेट नहीं गेन करोगे, इससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी गेन होता है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब मेरा वेट बहुत कम था तब मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता था, और अब मेरी बॉडी थोड़ी ग्रो हो गई है तो मेरे को बहुत काफ़ी अच्छा लगता है। और अगर आपको वेट गेन के लिए कोई डाइट या वर्कआउट की ज़रूरत है तो मैंने थोड़ी देर पहले एक प्रोग्राम बनाया था, फिटबॉल नो जिम, उसका लिंक मैं यहाँ पे इंडेक्स कार्ड पे दे दूंगा, यहाँ पे क्लिक करो और टाइम को यूज़ करो यार, गेन सम वेट। दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो गाइज। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो यार करो जल्दी, रेड कलर का बटन है उसको दबाओ, और अगली बार तक के लिए पीस आउट।